फवाद खान और माहिरा खान की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म भारत में रिलीज होने वाली है। 10 सालों के बाद ये पहली पाकिस्तानी फिल्म है जो भारत में रिलीज होगी। अब जहां पाकिस्तान की बात होती है तो हमारे देश में विवाद होना कंफर्म है। इसी फिल्म की भारत में रिलीज को लेकर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी कि MNS ने हंगामा शुरू कर दिया है। अगर आप फवाद खान के फैन हैं तो आपको बता दूं कि ये सुपरहिट फिल्म पूरे देश में रिलीज नहीं होगी। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या फवाद खान की ये फिल्म इतने सालों के लंबे गैप के बाद भारत में रिलीज हो पाएगी या नहीं। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं स्विच। पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट ने दुनिया भर में खूब धमाल मचाया। फवाद खान और माहिरा खान की इस फिल्म ने अक्टूबर 2022 में रिलीज होने के बाद 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी, लेकिन अब तक इसे भारत में रिलीज नहीं किया गया। अब खबर है कि फवाद खान की ब्लॉकबस्टर हिट द लेजेंड ऑफ मौला जट 2 अक्टूबर को भारत में रिलीज हो रही है और इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। MNS के नेता ने धमकी दी है कि अगर कोई पाकिस्तानी कलाकार इस फिल्म को प्रमोट करने भारत आया तो उसे मार पीट का सामना करना पड़ेगा और उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। राज ठाकरे ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसी भी हाल में किसी पाकिस्तानी कलाकार की फिल्म को भारत में रिलीज नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ये लिखा कि थिएटर मालिकों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने किसी पाकिस्तानी फिल्म को अपने यहाँ चलाया तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। उन्होंने पोस्ट में लिखा, देशों के बीच सीमा ना हो तो बाकी मामलों में ये ठीक हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के मामले में इसे बिल्कुल मंजूरी नहीं दी जाएगी। भारत के प्रति नफरत फैलाने वाले कलाकारों को यहाँ बुलाना और उनकी फिल्में दिखाना कैसे सही हो सकता है। MNS नेता अमय खोपर ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि अगर पाकिस्तान का कोई भी कलाकार इस फिल्म को प्रमोट करने भारत आता है तो उसके साथ मारपीट की जाएगी और उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। इसके अलावा राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर और भी कई धमकी भरे बातें लिखी हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह खुली धमकियां देना कितना जायज़ है। आप इस पर अपनी राय वैसे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस फिल्म की रिलीज की जो डेट है वो 2 अक्टूबर तय की गई है और इसे सिर्फ पंजाब में रिलीज करने का कंफर्मेशन मिला है। फवाद खान की द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान और बाकी देशों में पहले ही रिलीज हो चुकी है और ये पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। अब भारत में जी स्टूडियोज ने इसके राइट्स खरीदे हैं। अब अगर इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म 1979 में आई पाकिस्तानी फिल्म मौला जट का रीमेक है। इसमें फवाद खान ने मौला जट का किरदार निभाया है और फिल्म की कहानी बदले पर बेस्ड है, जहां मौला जट नूरी नट से बदला लेना चाहता है। फवाद खान के भारतीय फैंस इस फिल्म को लेकर बेहद ही एक्साइटेड हैं। फवाद खान ने जिंदगी गुलजार है से भारतीय दर्शकों के दिल में जगह बनाई थी और इसके बाद उन्होंने खूबसूरत और ए दिल है मुश्किल जैसी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, लेकिन इसके बाद भारत में सभी पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लग गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते पिछले 10 सालों से भारत में कोई पाकिस्तानी फिल्म रिलीज नहीं की गई है। 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में काम करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने सुरक्षा और देशभक्ति का हवाला देते हुए ये नियम बनाया था कि वो पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम करने की परमिशन नहीं देंगे। इसके बाद फवाद खान, माहिरा खान, अली जफर और राहत फतेह अली खान जैसे कई कलाकार बॉलीवुड से गायब हो गए। हालांकि अक्टूबर 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बैन को हटाते हुए इसे शांति के लिए हानिकारक बताया। कोर्ट का कहना था कि पड़ोसी देश के नागरिकों का विरोध करना देशभक्ति नहीं दर्शाता है। कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों के लिए भारतीय फिल्मों में काम करने का रास्ता खुल गया और इसी के चलते द लेजेंड ऑफ मौला जट की भारत में रिलीज की घोषणा की गई। ये 10 साल बाद भारत में रिलीज होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म होगी। इस खबर के आने के बाद फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खैर, आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की धमकियां जैसे कि MNS के जो नेता हैं वो दे रहे हैं वो सही है, या फिर जब हमारे सैनिक पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ पाकिस्तानी कलाकारों की फिल्मों को भारत में रिलीज करना सही है या गलत? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।